आधी आबादी यानी महिलाएं हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा और जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन्हें रोजाना कितने अत्याचारों से जूझना पड़ता है इसका अंदाज़ा लगाना भी बेहद मुश्किल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लगभग हर 3 में से एक महिला को अपने जीवन काल में शारीरिक तथा यौन उत्पीड़न को सहन करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सभी मानव तस्करी पीड़ितों में 71% केवल महिलाएं और लड़कियां हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत को पूरी दुनिया उसकी संस्कृति तथा शालीनता के कारण पहचानती है, लेकिन वही देश जिसमें एक कन्या को देवी के रूप में पूजा जाता है वहीं पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो इसी प्रकरण में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने और वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस विमेन की ओर से हर वर्ष 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस या फिर कहें इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में और ख़ास तौर पर हमारे प्रदेश हरियाणा में महिला हिंसा की इस गहन समस्या और इसके निवारण के संदर्भ में क्या स्थिति है, इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं मिसेस जगमती सांगवान जी, जो कि विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं और एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप्स में ये एक हमारे देश की वॉलीबॉल टीम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुकी हैं और वर्तमान में ये ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद शैली। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपसे सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि COVID-19 महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा तो उस वक्त जो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन की जो समस्या का बहुत इजाफा हुआ, जो एक शेडो पेंडेमिक के रूप में उभरा, इसके क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि कोविड के दौरान जो वायलेंस की घटनाएं हैं महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। और इसको अगर हमारे देश के संदर्भ में देखें तो हमारे देश के अंदर आम तौर पे भी महिलाओं के प्रति जो वायलेंस है उसका ग्राफ बहुत ऊंचा है। हर मिनट में किसी ना किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना होती है, हर 26 मिनट में किसी ना किसी के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और सेकंड में कहें तो वर्बल जो वायलेंस है, मतलब उस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना, वो तो सेकंड्स में होती है। तो ये जो अदरवाइज इतना ऐसा हाई ग्राफ हमारी सोसाइटी में है, क्योंकि हमारी सोसाइटी प्रीडोमिनेंटली पैट्रियार्कल एक सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक जिसको कहें, तो उसमें जब पैंडेमिक की स्थिति आई तो क्योंकि लोगों को घरों के अंदर बंद होना पड़ा, और उसमें जो मतलब जो आपस में किसी भी तरह का तनाव होता है, हमारी घरेलू परिस्थितियां ऐसी हैं जी कि वो सारा गुस्सा, सारा तनाव जो है वो महिलाओं के ऊपर उतरता है। हाँ जी। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो सबसे कमजोर तबका, सॉफ्ट टारगेट उस तरह से होती हैं वहाँ पे। और उसके लिए मतलब अपने हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो जिस दिन शादी करते हैं उस दिन लड़की को ये कह के भेजते हैं माँ बाप की, भाई हम तो पाप के माँ बाप थे, वो धर्म के माँ बाप है, और आज के बाद हमारे घर मतलब आएगी तो हस्ती खेलती तो आ जाइयो, लेकिन और तरह से मतलब तनाव करके आना मत। हाँ जी। तो जब वो ऐसी परिस्थितियों के अंदर मतलब घिरी होती है महिलाएं, क्योंकि उनका अपने नाम उनके जो है वो किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो घर के अंदर कोई भी नाखुशगवारी जब होती है, हाँ जी, तो उस नाखुशगवारी में मतलब उस महिला पे जब गुस्सा उतरता है तो उसके पास मतलब जिसको कहते हैं ना नीचे जमीन और ऊपर आसमान, हाँ जी, ये दो चीज होती हैं, उसको मतलब कोई और जगह नहीं होती जाने के लिए, सिर छुपाने के लिए, सिर ढकने के लिए।
तो इस वजह से वो जो वायलेंस का पहले से ऊंचा ग्राफ था, हाँ जी जब घरों में बंद हो गए सभी, वो और ऊंचा तो हो। और ऊंचा हो गया वो, क्योंकि दूसरी भी जो एंग्जाइटीज थी भाई, हाँ अपने जी स्वास्थ्य को लेके, बीमारी को लेके, जी वो भी मतलब लोगों के अंदर एक तरह का स्ट्रेस पैदा कर रही थी, और इमोशनली लोग जो हैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे इस मौके के ऊपर। हाँ जी आज का कल का किसी को भरोसा नहीं था कि नहीं क्या होने वाला है। तो ऐसे समय पे ये वायलेंस जो है, जो जितना वल्नरेबल था, बच्चों के साथ भी बड़ी वो वायलेंस, लेकिन महिलाओं के साथ, क्योंकि उनको बच्चों को भी संभालना होता था, बच्चे जो थे वो कहते भी घर से बाहर जाना है, खेलना है, सब करना है, तो उनको भी डील करना पड़ता है मदर को, और जो भी महिलाएं हैं प्री रिक्वायर्ड मतलब होती है वो हाँ एक जी स्थिति ऐसी। बिल्कुल तो इन फैक्टर्स की वजह से ये वायलेंस का ग्राफ उस दौरान बहुत ऊंचा हुआ। हाँ जी यहाँ तक कि जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हाँ जी थे उनको अनेकों देशों के जो लीडर्स थे उनके साथ ऑनलाइन बात करके ये पॉइंट आउट पॉइंट करना आउट करना पड़ा पड़ा। कि देखिए आप अपने घरों को सुरक्षित जगह बनाइए महिलाओं के लिए। ये जो महिलाएं और लड़कियां जो हैं, ये आपके घरों के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस प्रोन हो गई हैं। हाँ जी मैम, अगर हम मानते हैं और जानते भी हैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ा एम्पावरिंग टूल है, बहुत ही एक सशक्त माध्यम है कि नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ के कंटेक्स्ट में ट्रांसफ़र जनरेशन टू जनरेशन हम आगे से आगे ट्रांसफ़र होता है, लेकिन फिर भी इसका क्या कारण है कि जो मोर एजुकेटेड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी महिला हिंसा की समस्या की कोई कमी नहीं है, हिंसात्मक घटनाएं उसी तरीके से उसी स्तर पे होती रहती हैं, इसका क्या कारण आप बताते हैं? हाँ देखिए, ये आपने जो कहा, हमारी ऑब्जर्वेशन भी ऐसी है कि जहाँ तक वेमेन एंड वायलेंस का सवाल आता है, तो बहुत जो सुसभ्य नागरिक क्लेम करते हैं अपने आप को, बहुत ऊंचे पदों पे भी हैं सोसाइटी के, हाँ स्टेटस जी सिंबल के हिसाब एजुकेटेड से लाइफ लीड करते हैं, हाँ जी प्रोफेसर्स हैं ये वो, और एक गली मोहल्ले में काम करने वाला जो मजदूर है, उनका जो आचरण है महिलाओं को लेके, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क बड़े पैमाने पे नहीं देखने को मिलता है। ओके क्योंकि एक तो जो माइंडसेट है, हाँ जी वो मानसिकता जो है वो इस तरह की बनी हुई है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष के मतलब उपभोग की वस्तु हैं, हाँ जैसे जी वो उनको एक इंसान की तरह से नहीं देखते, बल्कि उनके लिए बनाई गई, उनके उपभोग के लिए कोई वस्तु है, और वो जिस समय पे चाहें मतलब खुशी से उसके साथ बात कर सकते हैं, जिस समय पे चाहें गुस्से से भी बात कर सकते हैं। एक तो ये जो माइंडसेट बना हुआ है, हाँ जी फिर जो इस तरह के माइंडसेट को चेक करने के लिए जिस तरह की एजेंसीज चाहिए, कि किसी का अगर इस तरह की मानसिकता है महिलाओं के प्रति और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है उनको लेके, तो जो एजेंसी चाहिए और जितना अलर्ट चाहिए वो हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है, हाँ एक जी तरह से कि उनके दिमाग के ऊपर डर रहे। जब आप समझ के स्तर पे गलत जगह पे खड़े हैं, फिर दूसरा आपको चेक कर सकता डर, फिर वो डर दिखाने वाली जो एजेंसीज हैं, पुलिस है दूसरा है, आमतौर पे वहाँ पे भी मतलब जब महिला घरेलू हिंसा के केस को हम लेकर जाते हैं, जैसे हाँ महिलाओं जी के बीच में काम करते हैं, तो हरियाणा में तो पुलिस वाले कहेंगे ओके हो गया, तेरा घरवाला ने 2 थप्पड़ मार दिए तो हाँ जी तेरा ये घरवाला है। हाँ बेसिक तो माइंडसेट ही वही बना हुआ है हाँ, सबका। तो वो जो एजेंसीज हैं हाँ जिनको जी सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए हाँ जी और जिनको ये जो पैट्रियार्कल सोच है सोच इसके ऊपर अंकुश की तरह से काम करना चाहिए, वो एजेंसीज भी उतनी सेंसिटाइज्ड नहीं नहीं है। है कि वो इस वायलेंस को लेके इमिजिएटली मतलब वो कार्रवाई करें जिससे डर रहे। मैम आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो हिंसा की शिकार महिलाएं हैं वो सोशल स्टिग्मा और शेम की वजह से अपनी जो आप बीती है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अपराधों को बढ़ावा मिलने में और ज़्यादा मदद मिलती है। तो आपका क्या सुझाव है कि इस स्थिति से
कैसे बाहर निकला जाए, कैसे इसको नियंत्रण में लाया जाए? देखिए हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो पितृसत्तात्मक जो समाज है वो किसी महिला के साथ अगर छेड़छाड़ होती है, कोई मतलब रेप का अटेम्प्ट होता है या रेप होता है, कुछ भी होता है, तो एकदम जो उनका कैमरा जो फोकस होता है ना, कैमरे का वो फोकस उस महिला के ऊपर होता है कि वो कौन थी, कैसी ड्रेस पहन रखी थी, पहले किस तरह का उसका आचरण रहा है, ये वो फोकस जो है वो गलत जगह पे है। फोकस वहाँ पे जाना चाहिए कि जो असॉल्टर है, हाँ जी, कि उस असॉल्टर ने ये हिमाकत कैसे की जी, उसने ये सोच कैसे लिया कि वो इस महिला के साथ मारपीट कर सकता है जी, या इसके प्रति यौन हिंसा कर सकता है जी। तो वो जो कैमरे का फोकस जहाँ पे जाना चाहिए ना, कि इस अपराधी मानसिकता को समझना, इस हिंसक मानसिकता को समझना कि ये कहाँ से जनरेट हो रही है, तो वो वहाँ पे फोकस होना चाहिए। वो होगा तो फिर महिलाएं जो है वो फ्रीली रिपोर्ट करने के लिए आगे आएंगी, उनके साथ जहाँ पे भी जबरदस्ती होगी तो वो बोलने के लिए आगे आएगी कि उसको सपोर्ट मिलेगी, उसको समझा जाएगा। अभी वो क्या है कि वो दबाने की कोशिश करती है, जैसे आपने बताया कि कलंक की तरह से लिया जाता है, हमारी फिल्मों में भी ये दिखाया गया किसी महिला के साथ रेप हो गया तो अब तो मैं तो किसी काम की नहीं बची, जबकि मतलब किसी को भी कोई भी चोट लग सकती है, हमें तो इस तरह से सोचने की जरूरत है कि जब आपकी सोसाइटी इतने ज्यादा प्रोन है तो दूसरी चोट लग सकती है, ये चोट भी लग सकती है, इसको इस मानसिकता से सोचने की बजाय वो दूसरी तरह की मानसिकता जो स्थापित हुई है उससे वो छुपाती भी है, दबाती भी है। और ये जो छुपाया जाता है, जो दबाया जाता है इस हिंसा को, इससे जो अपराधी जो है उनके हौसले बुलंद होते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि एक के साथ किया तुमने और कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब दूसरी के साथ भी करो। और बहुत सारे रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जहाँ तक वायलेंस अगेंस्ट वेमेन का, या लड़कियाँ, नौजवान लड़कियाँ बहुत अनसेफ है हमारी सोसाइटी के अंदर, छोटी बच्चियाँ भी, तो वो इसी तरह से रिपीट ऑफेंडर्स की जगह बढ़ती जा रही है, कि मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और महिलाओं को ही कलंक की जगह से देखा जाता है, जो विक्टिम बनती है वो इस तरह के असॉल्ट की, तो ये मतलब एक जगह है। और इस जगह को ख़त्म करने के लिए हमें ये लगता है कि एक तो खुद जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को हमें राइट पर्सपेक्टिव में देखना इस तरह की वायलेंस को, वो सिखाना पड़ेगा कि ये आपकी गलती नहीं है जो आपके साथ हुआ है, ये किसी ने आपके साथ अपराध किया है। और अपराध को बर्दाश्त करना मतलब अपराधी को बढ़ावा देना है एक तरह से जी। और जिस तरह से दूसरे मारपीट के अपराध होते हैं वो होते हैं, तो इसी तरह से सेक्सुअल अपराध जो है ये भी हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, तो उनको भी उसी सहजता के साथ देखा जाए और उनको अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए निरंतर काम किया जाए। तो एक तो इसका मजबूतीकरण महिलाओं का जो है, नौजवान लड़कियों का, बच्चों को शुरू से ही मतलब ये बताना पड़ेगा कि गुड टच बैड टच, कौन आपको कहाँ से टच कर रहा है, तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना जी। दूसरा ये है कि जो भी महिलाओं के प्रति हिंसा के जो कानून हैं, हाँ जी, पिछले दिनों निर्भया का जो कांड हुआ था अपने देश के अंदर जी, पूरा मतलब देश ही नहीं विदेशों तक भी मतलब उसके ऊपर जो है प्रतिरोध की आवाज उठी जी, उसके बाद कानून को मजबूत भी बनाया गया। कानून अभी मतलब उस तरह से काफी है भी, लेकिन फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है, उनको लागू करना, हाँ जी, हमारे यहाँ पे आमतौर पे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का रिस्पॉन्स क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा बर्बर है तो फांसी दो। हर एक अपराध में फांसी नहीं, हम ये समझते हैं कि जो वर्क करेगा, जिसने जितना अपराध किया है उसको उतनी सजा मिले, लेकिन जरूर मिले। हाँ, सीवियरिटी नॉट श्योरिटी ऑफ द पनिशमेंट, वो चेक लगाती है, डेटरेंट की तरह से वो काम करती है, वो जो है।
लेकिन हमारे यहाँ पे सीधा मतलब वो होता है कि मतलब फांसी दो या तो, और या फिर कानून लागू ही नहीं होता है। बच जाता है। एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। हाँ जी महिलाएं जब कोशिश भी करें, अगर कोई हिम्मत भी जुटाए, हाँ जी अनेकों केस पिछले दिनों ऐसे आए हैं, हमने यहाँ पे शहरों में देखा है कि लड़की ने और लड़की के माँ बाप ने ये कहा रोते हुए कि अगर पुलिस सही समय पे कार्रवाई करती तो हमारी बेटी की जान बच जाती, जी हमारी बेटी जो है वो इस अपराध से बच जाती, बचाते। तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। तो वो जो इस तरह के गफलत करते हैं अपनी ड्यूटीज के अंदर जी महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को, उनको ये भी पता होना चाहिए कि आपको पनिश किया जा सकता है। बिल्कुल और जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन भी टाइम बाउंड किया जाना चाहिए, और उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद समयबद्ध तरीके से सजा मिले, जिसका जितना अपराध है वो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक सबसे बड़ा मतलब डेटरेंट तो वो है। और केवल शिक्षण संस्थाओं में नहीं, हमें तो ये लगता है कि जो हमारी पंचायतें हैं, हाँ हमने जी कई बार कोशिश करी है कि पंचायतों के अंदर एक महिला सब कमेटी भी बनी होती है जो बच्चों को और महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए होती है। जी तो हाँ, हमने बहुत कोशिश की कि जब ग्राम सभा करते हैं आप, तो एक ऐसी सभा भी करें कि जिसमें हमारी लड़कियां और महिलाओं के साथ हमें किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से हम एक दूसरे के सपोर्टर बन सकते हैं। जी ये गाम राम ऐसे बोलने के लिए तो हमारे यहाँ पे ये रहा है, लेकिन पिछले दिनों अभी जो देखा जा रहा है, इतना अनसेफ होता जा रहा है वातावरण, मतलब ये जो नशा बढ़ता जा रहा है, जी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जेंडर सेक्स रेशियो हमारे यहाँ का खराब है, खराब शादियाँ हो नहीं रही हैं, तो इनकी वजह से महिलाओं के ऊपर जो है बहुत बड़ी असुरक्षा मंडराती मंडराते। रहती है। मैम, हमारे देश में हिंसा पीड़ितों के लिए किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं? आप विस्तार पूर्वक बताइए कि क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ से एक लेडी जिसको के असॉल्ट हुआ है वो कहाँ जाके रिपोर्ट करे, क्या लीगल हेल्प ले, कौन से काउंसलिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं हमारे देश में? देखिए, सबसे पहले तो ये एक अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने 15-20 साल पहले मेरे ख्याल हाँ से जी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति की है यहाँ पे, जी कि कोई भी महिला अगर किसी स्थिति से रूबरू है, जी वायलेंस की स्थिति से, तो यहाँ की प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, वो जिला हेडक्वार्टर पे, हालांकि अभी एक ही है प्रोटेक्शन ऑफिसर अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड वायलेंस इन जनरल आल्सो, वो जी ही उसको देखते हैं, तो वो कर सकते हैं। महिला थाने भी हमारे यहाँ पे हैं अब, जहाँ पे केवल महिलाएं पुलिस में होती है, क्योंकि आमतौर पे मेल पुलिस के पास जाने में भी अनसेफ फील अनसेफ करती फील है करती है। महिलाएं। जी तो एक्सट्रीम लेवल की अगर वो है वायलेंस, तो वो महिला थाने में जा सकती है। लेकिन मतलब ऑब्जर्व ये किया जा रहा था कि महिलाएं जो हैं वो थाना पुलिस का मतलब हस्तक्षेप नहीं चाहती जी एकदम जब उनके साथ हिंसा हो रही है, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, सीधा आपकी काउंसलिंग की जरूरत है, आपको काउंसलिंग की जाएगी, मीडिएशन की जरूरत है अगर आपस में, तो वो किया जाएगा। तो सबसे बड़ा अभी हमें जो वर्केबल वो लग रहा है हरियाणा के संदर्भ में बात करें, तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनके साथ संपर्क कर सकते हैं वो। फिर हमारा महिला आयोग है, जी जैसे वर्क प्लेस पे है, दूसरी जगहों पे, जहाँ पे भी सार्वजनिक जगहों के ऊपर अगर महिलाओं के साथ वायलेंस होती है, और मतलब वो जो डिपार्टमेंटल लेवल पे अगर कमेटीज नहीं बनी हुई है, वैसे तो हर डिपार्टमेंट में भी ये जो है कमेटी का नाम जो है हाँ जी लिंग संवेदी कमेटी वहाँ पे बनी हुई है, ओके कि सब डिपार्टमेंट आगे हाँ, और जहाँ ठीक है। पे भी 10 महिलाएं काम करती होंगी हाँ जी किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मतलब काम की जगह के ऊपर, हाँ जी तो वहाँ पे कंपलसरी है ये कमेटी बनाना। ओके और वो मतलब उस वायलेंस को देखने का भी एक नज़रिया पैदा करती हैं वो कमेटियाँ असल में। जी
कि वायलेंस केवल वो नहीं है जब शारीरिक रूप से आपको कोई ऐसे छेड़छाड़ कर रहा है, नो, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर योर डिपार्टमेंटल वर्क और कोई आदमी आपको स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, या आपका आप बाहर जा रहे तो पीछा कर रहा है, उससे आपका मेंटल कंपोजर जो है वो खराब होता है और काम में आप अपना जो बेस्ट है वो नहीं दे पाते, हाँ, तो वो अफेक्ट करना भी वायलेंस में आता है एक तरह से महिलाओं के प्रति। तो वो कमेटीज बनी हुई है हर डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पे वो शिकायत कर सकती है, वहाँ पे अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो महिला आयोग बना हुआ है, महिला आयोग को वो शिकायत कर सकती है। फिर अनेकों आज के दिन ऐसी एनजीओज हैं जो अलग अलग तरह के महिलाओं के जो ज़रूरतें हैं उनको लेकर काम कर रही हैं, और सबसे नज़दीक जो एजेंसी है उनके जी, अगर गांव की महिलाओं को और बहनों को हम देखें कि उनके पास क्या उपलब्ध है, कि वो आंगनबाड़ी में जाके भी रिपोर्ट कर सकती हैं। जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमने ये कोशिश की है हरियाणा सरकार से कि उनके सबसे नज़दीक जो है एक्सेसिबिलिटी जो इजीली हो सके, हाँ जी, और जिसके सामने वो बोल भी सके, तो वो हमने ये सरकार से ये बहुत बार वो हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो वैसे हम भी रिकमेंडेशन भेजते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को ये भी थोड़ा उनकी ड्यूटीज़ में डाला जाए कि कोई लड़की कोई महिला अगर आती है तो उसको वो अटेंड करेंगे, क्योंकि जो खेतों में काम करती है, खेत मजदूर महिला है, हाँ जी, या बहुत ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्री में दूर काम करती है, उनके लिए दूसरी जो कमेटी बनी हुई है वो है एसडीएम के लेवल पे, कि वो एसडीएम के पास जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट सेक्सुअल हरेसमेंट की, वायलेंस की, मतलब उस तरह से दर्ज करवा सकती है। तो ऐसे में ये जो आंगनबाड़ी वाला ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं के आसपास जो है, हाँ, वो भी वर्क करता है। मैम, आज के इस दिन पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के उन्मूलन का ये दिन है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे हमारे समाज को जो है वो आज के दिन एक संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं को हिंसा मुक्त समाज, घर और काम करने की जगहें जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए वो इंडिविजुअल लेवल पे, मुझे ये पता है कि आज सोच लिया वो लागू कर लेंगे उसको, तो वो हो नहीं पाता है, तो उसमें थोड़ा सा आत्म संघर्ष जो है, हमें आत्म संघर्ष करना पड़ेगा, अपने साथ संघर्ष करना पड़ेगा कि मैं अपने से, मेरे से कमज़ोर जो है ना उसको किसी भी तरह से, मतलब उसके साथ कोई ज्यादती ना करूं, जुल्म ना करूं, और ये अगर मेरे से होता है तो ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है ये चीज़ जो है, ऐसा बने। और फिर ये भी हो कि अगर वो अपने जीवन में कहीं पे भी देखते हैं कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, तो वो वहाँ पे हस्तक्षेप भी करें उन लड़कियों के, महिलाओं के हक में जो है। और पिछले दिनों काफ़ी सारे कॉलेज गोइंग जो बॉयज़ हैं उन्होंने ऐसा किया है कि थोड़ा जोखिम उठाते हुए भी मदद की है, तो हमें ये लगता है कि हमारी जो मूल्य मान्यताएं हैं उनको हमें महिलाओं की समानता के दर्जे के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है। हमारे गीत, हमारी कहावतें, हमारा जो पूरा जो बॉडी लैंग्वेज, सारी ऐसी बदलनी चाहिए हमें कि जिसके अंदर हम जो महिला पुरुष जो हैं बहुत सुरक्षा के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने घरों के अंदर भी और विभागों के अंदर भी और समाज के अंदर भी एक सुंदर समाज बनाते हुए साथ साथ काम कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शैली।